जुलाई एंड अगस्त शुरू होने वाला है और बहुत सारे लोगों के बर्थडे आने वाले और मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट थी बर्थडे ड्रेस बर्थडे ड्रेस बर्थडे ड्रेस पार्टी ड्रेस कैजुअल ड्रेस 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 फ्रॉम आई जियो तो मैं लेके आ गई हूँ बारह ड्रेसेस फ्रॉम आ जियो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बैक माय चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है मैं हूँ आप सबकी चहित गीमा आशी और आ गई हूँ अपने एक और आजियो हॉल के साथ ये मेरा दूसरा आजियो का हॉल है फर्स्ट हॉल को आपने इतना प्यार दिया था और आई वाज लाइक ओ गॉड आप लोग को आजियो इतना पसंद है और मैं कहाँ किस दुनिया में थी और उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला इसके लिए थैंक यू सो so मच आपको मेरी चॉइसेस बहुत अच्छी लगी थी और बहुत सारे रिक्वेस्ट थे कि आज ही सीरीज स्टार्ट कर दो ये कर दो वो कर दो मैं सीरीज तो स्टार्ट नहीं कर रही हूँ आपको तो पता ही है कि मैं रैंडम रैंडम जो जो आप रिक्वेस्ट करो मैं वहाँ से वो सामान ला लाइक व्लॉग शूट कर रही हूँ तो काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि उनको बर्थडे ड्रेसेस चाहिए पार्टी ड्रेसेस चाहिए वैसे तो मैंने बहुत बार ड्रेसेस का हॉल किया लेकिन मुझे भी लगा कि यार मेरे पास अब ड्रेसेस लाइक उस तरीके की खत्म हो गए काफी सारी तो मैं सही शूट पे पहन भी चुकी हूँ अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आपने मुझे देखा होगा और ये जो ड्रेस अभी पहन के मैं बैठी हूँ ये भी आपने देखी होगी अगर आप मेरे हॉल्स देखते होंगे तो ये मेरी मिंत्रा की ड्रेस है अगर नहीं देखी तो मैं कोई भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में तो नहीं दूंगी जाके ना मिंत्रा वाली वीडियो जरूर देख लेना तो इस बार मैंने आजियो से ड्रेसेस मंगवाई हैं लाइक like, मैंने अपने माइंड में लाइक like, उसको कैटेगराइज़ किया था कि लाइक like, मैं उस जोन में सोचू कि लाइक बर्थडे ड्रेसेस है तो मैं थोड़ी गाउन वाली स्टाइल की लॉन्ग ड्रेसेस मैं ये सब कुछ मंगाऊं बहुत तड़कती भड़कती ड्रेसेस नहीं है। काफी हैं काफ़ी डिसेंट पीसेज हैं और लॉन्ग ड्रेसेस है शॉर्ट इतनी भी नहीं मैंने मंगवाई है शॉर्ट एक दो होंगी लेकिन मैंने बारह मंगवाई तो मैंने मोस्टली सोचा कि मैं थोड़ी लॉन्ग ही मंगवाऊँ क्योंकि मेरी जो जितने भी व्यूअर्स और जनता है उनको मोस्टली कवरी थोड़ा लॉन्ग चाहिए कि लाइक like, बॉडी शो ज़्यादा ना हो तो मैंने वो चीज़ भी ध्यान में रखा लेकिन उसके साथ साथ मैंने शॉर्ट ड्रेसेस भी इंक्लूड की हैं तो आपको दोनों वैराइटीज़ देखने को मिल जाएंगी बारह ड्रेसेस हैं देखते हैं आपको पसंद आती है नहीं आती है आपको अपने बर्थडे के को लिए कोई स्पेशल ड्रेस मिलती है या नहीं मिलती क्योंकि काफ़ी लोग बर्थडेज़ लाइक मैं भी जब थी स्कूल टाइम फर्स्ट टाइम में तो हम छः सात फ्रेंड्स का ग्रुप कभी किसी कैफे चले गया यहाँ चले गया वहाँ चले गया तो मैंने ना लिटरली उस जोन में ख़ुद को रख के सोचा है कि अगर मैं स्कूल या कॉलेज में हूँ और मैं ऐसे फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पार्टी में जा रही हूँ तो बहुत ही तड़कती भड़कती एक्स्ट्रॉर्डिनरी ड्रेस तो मैं बिल्कुल नहीं पहन के जाऊँगी तो मैंने खुद को लाइक उस जोन में सोच के वो ड्रेसेस मंगवाई हैं अब आई डोंट नो आपको मेरी चॉइस पसंद आएंगी आप रिलेट कर पाओगे या नहीं चलो देखते हैं अपनी फर्स्ट ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ और इस बार की वीडियो का जो मेरा प्राइस रेंज रहेगा ना चार सौ रुपए से शुरू होकर ना वो बारह मतलब आप कह सकते हो लमसम साढ़े चार सौ से तेरह सौ रुपये तक का मेरा पूरा प्राइस रेंज है इससे सस्ती और इससे महंगी ड्रेस मैंने नहीं मंगवाई है तो चलो देखते हैं हमारी फ़र्स्ट ड्रेस गाइस जो हमारी फ़र्स्ट ड्रेस रैंडम पैकेट जो मेरे हाथ में है वो रेड कलर की ड्रेस है रेड कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये के कि बर्थडे में रेड कलर की या किसी पार्टी में भी पहन के जाओ या डेट पर जाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी तो आप ये देख सकते हो थोड़ी थोड़ी सी बॉडी कॉन है ये वाली शॉर्ट वाली में आएगी आप सब बोलेंगे कि अभी तो बोला था लॉन्ग ड्रेस और पहली शॉर्ट निकल गई तो यार थोड़ा समझो शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है पहली शॉर्ट आएगी तो मेरी कोई गलती नहीं है ये हमारी फाइव नाइन्टी एट रुपीज़ मतलब छः सौ रुपये की ये ड्रेस है यार मुझे ना बहुत अच्छी लग रही थी इसका लुक काफ़ी अलग था सिंपल सिंपल प्लेन प्लेन एज ए बॉडी कॉन ड्रेस में ना थोड़ा कुछ तो था कि लाइक यहाँ से फ्रिल्स नेक थोड़ा अलग था अलग लग रही थी छः सौ रुपये की थी मैंने इसलिए मंगवाई है स्मॉल साइज़ की मंगवाई है और कलर तो बहुत ही प्यारा बबली सा रेड है अब बात करते हैं इसके मटेरियल की मटेरियल काफ़ी ज़्यादा फाइन लग रहेगा इस मतलब ये वो ड्रेस है आप देखो बैक से भी आप देख सकते हो वो जो फ्रिल है वो हाफ तक आ रही है ये है तो पूरी देखो ये स्लीवलेस ड्रेस ठीक है ये फ्रंट ना पूरा ऐसे फ्रिल इस पर लगी हुई है और जैसे गिरी भी रहेगी तो आप देखो ये इसका पूरा लुक आएगा और मुझे ऐसा लगता है ये मुझे स्मॉल साइज की ना लूज़ होगी नीचे भी इसमें ये फ्रिल्स दी हुई है और नेक पे ये ऊपर ऐसे बंद जाएगा सी ये नेक से ऐसे बन जाएगा और ये है आपकी ड्रेस काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है बर्थडे के हिसाब से मुझे तो लग रहा है काफ़ी अच्छी लगेगी लेंथ भी डिसेंट लग रही है ऐसे देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट नहीं लग रही मतलब जो मैंने अभी पहनी हुई है उससे तो लंबी लग रही है मुझे थोड़ा डाउट है कि इसकी ड्रेस का ए शेप आएगा या ये बॉडी कॉन ड्रेस है ये ना पहन के ही आइडिया लग पाएगा तो पहन के पूरा लुक फिट मटेरियल कहीं से चुभ रही है टाइट है तो सब कुछ एक्सप्लेन मैं आपको करती हूँ गाइस सिक्स हंड्रेड रुपीज़ के हिसाब से मुझे ड्रेस काफ़ी प्रटी लग रही है और फ़िटिंग में भी मुझे ठीक आई है इतनी बुरी नहीं लग रही है आप पूरा इसका लुक देखो ये कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है इसके जो लाइक ये फ्रिल है ये नीचे जो फ्रिल है जिसका ये पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा फिटेड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं, नहीं मेरे को परफेक्ट लग रही है स्लीव्स देख सकते हो नेक देख सकते हो ये इसका ये स्टाइल देख सकते हो और आपको मैं बैक से भी दिखा दूँ तो ये बैक से कुछ ऐसी दिख रही है बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है आप साइड से देखो ये कुछ ऐसी लगेगी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है आप देखो बिल्कुल नी लेंथ तक की ये ड्रेस है नी तक ही आपके आएगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है कलर बहुत ज़्यादा इसका प्यारा है डिटेलिंग्स काफ़ी डिफरेंस ही लग रही है मुझे ना काफ़ी क्यूट लगी तो मेरी तरफ़ से तो इस ड्रेस के लिए थम्सअप है मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइज ये जो ड्रेस है ना इसका स्क्रीन शॉट पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रहा है मे बी इस कलर में ये ड्रेस आउट ऑफ स्टॉक हो गई है तो मैंने सेम ब्रांड की ड्रेस का स्क्रीन शॉट लगाया यहाँ पर ये ग्रीन कलर का आपको गाउन दिख रहा होगा गाउन विद बो ये आठ सौ रुपये की ड्रेस है और जो मैंने ली है ना वो ग्रे कलर की ड्रेस है सेम गाउन विद ब्रो नाम है उसका ब्रोनी बो क्या यार <laughs> तो ब्रो तो बस डिफरेंस कलर का ही है पिक्चर में बिल्कुल सेम लगेगा ये मुझे लग रही थी लाइक पूरी लॉन्ग गाउन सिंपल बहुत तड़कता भड़कता नहीं लेकिन बर्थडे पे भी अच्छा लगेगा अगर किसी का बर्थडे होगा मतलब बजट वाली बर्थडे ड्रेसेस है ये ऐसे तो आप कितने हज़ारों के भी पहन लो वो आपकी चॉइस है लेकिन मुझे लग रहा था ये अच्छी लगेगी अगर ये ऐसी आई तो आठ की है कलर ने इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं आप अलग अलग ब्राइट कलर्स पे भी जा सकते लेकिन मैंने काफ़ी सारे कलर्स ऑलरेडी मंगवाए हैं लेकिन मेरा मन था कि मैं ग्रे मंगाऊं। जॉर्जेट कपड़ा है और बहुत सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक है इसका ठीक है ये वो ड्रेस है जो बहुत ही ट्रांजी मुझे लग रही है 800 रुपए वाला मज़ा तो इस ड्रेस को देख के मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने पहले रेड वाली देखी देखो ना कितनी छोटी निन्नू सी इसकी स्लीव्स हैं ये कॉलर वाली ड्रेस और यहाँ पे ये बो है इसका चोली वाला पार्ट है ये नीचे इसका पूरा लॉन्ग फ्रॉक आपको देखने को मिलेगा जो बहुत अच्छा खासा घेर वाला है अंदर इसमें अस्तर भी लगा है लेकिन अस्तर लगने के बाद भी ऐसे लाइट में तो ऑब्वियसली लाइट पूरा दिख रही है लेकिन आपको ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बीच में ये दी है रिबन जो आप पीछे बांध सकते हो और इसमें पीछे आपको जिप मिलेगी जिससे आप इजीली इसको पहन पाओ जो आपको यहाँ जिप मिलेगी ये वो ड्रेस है आई डोंट नो इसको पहन के आ, इस कलर की वजह से मैं थोड़ी अब डाइसी हो गई कि मैंने ये कलर क्यों मंगवाया पहन के नन्ना लगूं और बर्थडे वाली लायक लगेगी या नहीं लगेगी तो मुझे समझ नहीं आ रहा है वियर करती हूँ और हो सका तो बहुत अच्छे से सोचूंगी क्या बैग लूँ क्या हेस्टे ब लाऊँ कि इसको बर्थडे परफेक्ट हम बना पाएंगे या नहीं गाय अगर आपको पसंद आए ना इसमें बहुत सारे कलर्स हैं ये मत सोचना है, ग्रे में क्या पता ऐसी लग रही हो और काफ़ी बाकी कलर्स में अच्छी लगे वेअ करके आती हूँ गायजी एट हंड्रेड रुपीज़ की ड्रेस है जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है फिटिंग भी बिल्कुल मुझे परफेक्ट आई है पता नहीं मैं क्यों सोच रही थी कि मुझे बड़ी होगी ऐसी होगी वैसे हो इसके शोल्डर्स बिल्कुल परफेक्ट आए हैं इसका ये क्यूट सा कॉलर आप देख सकते हो ये कैसा लग रहा है यहाँ पे बो है और मैंने उस पर माइक लगा दिया क्योंकि अभी मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ पर माइक लगाऊँ और इसमें ना रिबन मिलते हैं वो आप बैक पे बैक से उसको टाइट करके ना पूरा फिटिंग दे सकते हो अब आप पूरा इसका लुक देखो मतलब मुझे ना ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और अच्छी लग रही है बहुत सिंपल एलिगेंसी और आई डोंट नो आपको ये कलर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है लेकिन इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मतलब लाइक कवरी में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ड्रेस आप देख सकते हो गाउन है बहुत लाइट वेट है लेंथ इसकी काफ़ी लंबी है मैंने हील्स भी पहनी हैं उसके बाद भी इसकी लेंथ पूरा नीचे फ्लोर टच कर रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है लाइक सिंपल डिसेंट और आप पूरा मेरे लुक देख सकते हो कैसे लगेगा आपके ऊपर आप इसको हैवी लाइक स्टड वाले ईयर पहन के आप किस किस तरह से इसको लुक देते हो लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये ड्रेस इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन भी हैं अगर आप थोड़े और ब्राइट कलर्स पर जाओगे तो आपको और अच्छी मिल जाएगी लेकिन मेरी तरफ से तो थम्स अप मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो हमारी ड्रेस है ना वो नौ सौ अस्सी रुपये की है मैक्सी लेयर्ड गाउन ड्रेस आप देख सकते हो मतलब हज़ार रुपये की है, गाउन ड्रेस थी तो मेरे को तो बहुत चो लोग गई कि यार ये तो मुझे मंगवानी है क्योंकि मीशो पे तो हमने ऐसी बहुत देखी है ना हमें क्वालिटी का भी बहुत आइडिया है वो बात अलग है मुझे अभी गाउन ड्रेसेस फ्रॉम मीशो की भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है वो भी मैं प्लान करूँगी तो अब मैंने सोचा एक ऐसी मैं यहाँ से भी मंगवा के देखती हूँ जिससे अब मैं मीशो की जब मंगाऊँगी तो मैं कंपेयर कर पाऊँ कि सेम था या क्या था ये भी मतलब वही हज़ार रुपये की ड्रेस है ब्लैक कलर की अब हम देखते हैं इसकी क्वालिटी नेट वग़ैरह सब कैसा आता है इसका फैब्रिक कैसा होता है मुझे ऐसा लग रहा है इसको किसी ने शायद रिटर्न किया है क्योंकि कभी भी ऐसे उल्टी ड्रेस तो नहीं आती है इसमें गाइस स्लीव्स अंदर आपको मिल जाएंगी वैसे तो ये देखने में स्लीवलेस है इन्होंने मुझे साइज़ भेजा है एम लेकिन मैंने साइज़ ऑर्डर किया था एस बहुत ही लाइट वेट साड़ी है और इसका नेट तो अभी तक मुझे चुभा नहीं है बहुत सॉफ्ट ही लग रहा है ये तो मुझे बहुत बड़ा रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है साइड में आपको यहाँ जिप मिल जाएगी जिससे आप इसको ईजीली वियर कर लो ठीक है इसका चोली पार्ट मुझे काफ़ी लूज हो सकता है आप देख ही सकते हो ये इतनी बड़ी इसकी चोली है थोड़ा तो लूज हो गई और ये ऐसा फ्रिल 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 है नेट की क्वालिटी ठीक लग रही है अभी तो ये पूरी मुसमुसी सी हो रखी है तो इतना कुछ समझ नहीं आ रहा है ऊपर जो ये फैब्रिक का मटेरियल है ये ऊपर एक नेट लगा हुआ है आपको देखिएगा नेट उसके पीछे जो ब्लैक कलर का कपड़ा है वो थोड़ा सा शाइनी पता नहीं इस कपड़े को सैनटून शैंटून क्या बोलते हैं शायद यही बोलते हैं विया कर क्या आती हूँ मैं उन्होंने वो समझ नहीं आ रहा क्या पता ठीक लगे भी और क्या पता बहुत बुरी लगे मेरा मन तो था ऐसी गाउन ड्रेसेस गाउन जैसी ड्रेसेस इतनी ज़्यादा दिख रही थी आजियो पे कि मंगवाया जाए चलो विया क्या आती हूँ नाइन एटी रुपीज़ की गाइस ये ड्रेस है और काफ़ी लड़कियों को होता है ना कि हमें बारबी वाली ड्रेस पहननी है और कुछ वैसे सी वाइव्स चाहिए हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है उनके लिए ना बहुत ज़्यादा हैवी बहुत लाइट वेट बस मुझे एक इशू हुआ कि ये ना मुझे काफ़ी लूज है तो मैंने खुद की बेल्ट लगाई है आप भी कोई अच्छी सी बेल्ट लगा के आप देख सकते हो कि कुछ इसका ऐसा लुक आएगा वरना मुझे थोड़ा ना यहाँ से पूरा ये लूज़ है अगर फिटिंग को हम साइड रखें और बाकी मैं आपको ये ड्रेस दिखाऊँ पूरी तो ये कुछ ऐसी लग रही है ड्रेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी बहुत फ्लो या मुझे लग ही नहीं रहा है ऐसे पहन के लाइक मैंने ना कुछ ऐसा ऐसे ऐसे फ्रिल वाली ड्रेस पहनी हुई है इसका नेट बहुत सॉफ्ट है आप इसकी लेंथ देख सकते हो कहाँ तक है फ़्लोर टच बिल्कुल नहीं है ये कोई धागा लगा हुआ है इसको हटाती हूँ फ्लोर टच बिल्कुल नहीं है लेकिन आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये मतलब थाउजेंड रुपीज़ में ना आपको इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन एक बहुत प्यारी सी ड्रेस मिल जाएगी कि आपको बर्थडे में अलग सा भी लगना है प्रिटी भी लगना है और इतना ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना लाइक दोनों पॉइंट्स को लेके मैं सब कुछ ये हॉल मैंने बनाया आई होप आपको ये ड्रेस अच्छी लग रही होगी क्योंकि मुझे इट लगी काफ़ी सही लग रही ड्रेस आप इसको किसी के शादी या कॉकटेल के फंक्शन में भी पहन सकते हो ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ इसको बर्थडे ड्रेस को ही कैटेगरी कर कैटेगराइज करूँ बाकी इट्स ऑल अप टू यू मेरी तरफ से तो इस ड्रेस के लिए डेफिनेटली थम्स अप है मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ चलो नेक्स्ट जो हमारी ड्रेस है ना मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी वो फ्रिंजेस वाली ड्रेस देख सकते हो आप इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है मैंने ये पीच कलर मंगवाया है एट सेवेंटी फाइव रुपीज़ के ड्रेस है और जो इसके स्ट्रैप्स हैं ना वो पर्ल्स वाले मतलब बीट्स वाले इसके स्ट्रैप्स हैं और स्लीवलेस तो ऑब्वियसली ये ड्रेस है ही ओ माई गॉड ये तो ऐसा लग रहा है इसके फ्रिजेस बिल्कुल उलझ ही जाएंगे और भाई धोखा कर दिया ये तो बीट्स वाले हैं ही नहीं इसके स्ट्रैप्स इसके स्ट्रैप्स तो ऐसे चेन वाले हैं सी ये चेन वाले इसके स्ट्रैप्स हैं और बोला गया था कि इसके ओह बीट्स वाले इसके स्ट्रैप्स आएंगे और इसकी जो ये फ्रेंजेज हैं टेसल इनको तो टेसल बोलूँगी ये बहुत उलझे उलझे लग रहे हैं वो बहुत पतले लग रहे हैं मतलब तो जो इस तरीके की ड्रेसेस मैंने अर्बैनिक से मंगवाई हुए और मेरे पास जो है ना उनके ये फ्रेंजस ना काफ़ी मोटे होते हैं थिक थ्रेड के होते हैं इतने पतले थ्रेड के नहीं होते जो आपको देखे कि यहाँ पे कितने पतले थ्रेड के हैं क्या पता पहन के ये अच्छी लगे और क्या पता बिल्कुल बेकार लगे साइज़ मैंने स्मॉल मंगवाया है आपको साइड में ज़िप मिल जाएगी जिससे आप इसको ईजीली पहन पाओ तो यहाँ ये मीडी है शॉर्ट वी अगर क्या आती हूँ ऐसे तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा गाइज ये ड्रेस बेहद छोटी है मुझे और मैं बताऊँ इसके जो ये फ्रिंजेज़ है ना साइड वाली जिप में ये इतना अटकेंगे इतना अटकेंगे खोलने में प्रॉब्लम बंद करने में प्रॉब्लम कि आपकी चैन ही ख़राब हो जाएगी और मुझे समझ नहीं आया ये शॉर्ट ड्रेस तो है यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट वेट से बिल्कुल परफेक्ट चेस्ट से इतनी टाइट कि मुझे फसी ही नहीं मैंने जैसे तैसे इसको फंसाया और साइड से ज़िप भी बंद नहीं हुई है और इतनी यहाँ से टाइट और ये इसके ये ढीले पड़े हैं मतलब टोटली मतलब तो बेकार ड्रेस मुझे लगी क्योंकि ये बहुत अटक रहे हैं बड़े ऐसे देखते में सुंदर लग रही हो ऐसी ड्रेसेस ना लाइक कंपेयर करूँ तो लाइक ज़ारा पे और अरबैनिक पे कितनी अच्छी हैं इनमें ये दिक्कत तो नहीं होती और फ्रिजेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी धागे धागे तो नहीं होंगे और ये धागे धागे लिटरली ऐसे फॉल हो रहे हैं नीचे गिर रहे हैं धागे ओ गॉड अच्छी नहीं है बिल्कुल भी मत लेना अरबैनिक से ले लेना नो नेक्स्ट दिखाती हूँ आजकल वेस्ट कटआउट कितने ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं तो जो मेरी नेक्स्ट ड्रेस है वो उसमें फ्रेंच तो है लेकिन वेस्ट कटआउट भी है तो वो ये वाली ड्रेस है जो मेरी सबसे महंगी है बारह सौ नब्बे रुपये की ड्रेस है इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन हैं आप देख सकते हो नी लेंथ की ड्रेस है और वेस्ट से कैसा कटआउट है देखते हैं कैसा आया है क्या ये हो क्या रहा है लेकिन ठीक लग रही है मुझे आ, सही लग रही है देखो थोड़ी अलग सा है इसका फैब्रिक है डिफरेंट बिल्कुल पीछे आपको ना ऐसे बटन मिल जाएंगे बस इन बटन को बंद करने में तो भाई काफ़ी दिक्कत आने वाली है आपको कोई एक बंदा या बंदी चाहिए जो बंद कर दे क्योंकि ज़िप होती तो ज़्यादा आसान रहता आप ये देख सकते हो इधर से पूरा वेस्ट कट आउट है ठीक है वेस्ट वाली चीज़ पीछे आपको पूरी इलास्टिक मिल जाएगी और साइड में आपको ज़िप मिल जाएगी जिससे पहनने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और लेंथ भी अच्छी खासी लंबी है आपको हाफ तो लाइनिंग मिल जाएगी यहाँ तक कि इसकी लाइनिंग है ठीक है फिर ये नीचे ऐसा दिखेगा और फ्रंट ऐसा कट आउट भी है अच्छी लग रही है यार मेरे को फोरा चेंज इसका मटेरियल बहुत अलग है बर्थडे में पहन के आपको किसी ने अगर मोर नहीं बोला ना तो मेरा नाम बदल देना ठीक है चलता फिरता मोर का टाइटल आपको मिल जाएगा प्लीज़ मुझे गालियाँ मत देना भैया का आती हूँ ट्वेल्व नाइन्टी ऑलमोस्ट थर्टी हंड्रेड रुपीज़ की ड्रेस है मुझे हल्की सी टाइट आ रही है शोल्डर एरिया से लाइक ऐसे करने पे थोड़ी रही है और मेरे बाइसेप्स मेरे डोलों पर टाइट आ रही है मेरा इतना मोटा डोला ऐसी बात नहीं है साइज़ अप करना पड़ेगा मुझे इस ड्रेस में बाकी आप इसका पूरा लुक एंड फिट देख सकते हो मुझे फैब्रिक बहुत ज़्यादा अलग लगा जिससे ही पूरी मतलब जिसमें फ्रेंच है या बीच में अलग अलग की जो कपड़ा लगाया है जॉर्जेट वाला कपड़ा लगा है काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको देखिएगा जो कटआउट है ना वो सेंटर में है इसका कटआउट साइड में नहीं है सेंटर कटआउट है ये वेस्ट वाला चीज़ आप देख सकते हो ये कैसा लग रहा है पूरा वेस्ट कटआउट ये ऐसा आएगा कुछ लेंथ भी आप ड्रेस की देख सकते हो बैक से भी आप देख सकते हो नी से इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है नी से तो ये लंबी काफ्स तक आ रही है ड्रेस फिटिंग आप देख सकते हो मुझे ऐसा बॉटम में देखा जाए तो फिटिंग परफेक्ट आ रही है चेस्ट से फिटिंग परफेक्ट आ रही है लेकिन मुझे कहीं ना कहीं हाथ पे लाइक बाइसेप्स पे चीज़ खिंच रही है अगर आपको दिखे तो लाइक ऐसे करने पे देखो ये ड्रेस कितनी ज़्यादा खिंच रही है क्योंकि मैं यूँ करूँगी तो ये फट जाएगी बहुत ज़्यादा टाइट होगी लेकिन आप ये देखो ये मटीरियल पास से कितना ज़्यादा अच्छा है शाइन मार रहा है डिफरेंट सा लग रहा है वैसे तो ये ड्रेस काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे लेकिन फिटिंग वाला थोड़ा इशू हो गया और जो मुझे फ़ील हुआ मे बी फिटिंग की वजह से ऐसा रहो कि यहाँ पर कटआउट क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहे हैं तो मे भी साइज़ की वजह से ऐसा हो साइज़ अप करूँ तो थी थोड़ी लूज़ हो ये भी नीचे जाएगा तो ये कटआउट क्लियर दिखेंगे हाँ तो ऐसी ड्रेस है अगर किसी को इन कटआउट से दिक्कत नहीं है वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत छोटे हैं ये कटआउट तो ये ड्रेस बहुत ज़्यादा कवरी और बहुत ज़्यादा डिसेंट और मुझे अच्छी लग रही है बस साइज़ अप कर लेना बाकी जैसा दिखाया है वैसा ही आया है उसके लिए थम्स अप नेक्स्ट दिखाती हूँ चलो नेक्स्ट जो ड्रेस है वो हमारी फिट एंड फ्लेयर ड्रेस विद रफल टॉप की है ये इसमें चार पांच कलर के ऑप्शन हैं मैंने ये बगोन्डी काइंड ऑफ कलर मंगवाया है नी लेंथ से थोड़ी लंबी डिसेंट सॉलिड ये ड्रेस है सी आप देख सकते हो मुझे लग रहा है यार ये आ, लिटरली मैं मीशो के आर्टिकल्स खोल रही हूँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये मुझे बहुत बड़ी लगने बड़ी लग रही है है ये स्लीवलेस लेकिन आप आपको ऐसे पूरा ऐसे कवर वाला ये चीज़ मिल जाएगी वी नेक है इसका ठीक है और ये मुझे बहुत लूज़ होने वाली है यार बहुत लूज़ लेकिन सही लग रही है आयन ओन के बाद ठीक लगेगी वेयर करके ही मैं कुछ बताती हूँ मैं कुछ नहीं बताने वाली साढ़े बारह सौ रुपये की ड्रेस बहुत ही वाहियात है बिल्कुल मत लेना भाई इसकी चोली देखो कहाँ आ रही है ठीक है ऐसा लग रहा है मीशो की 400-500 रुपए भी ज़्यादा बोल रही हूँ ढाई सौ तीन सौ रुपये की ड्रेस हो ये फैब्रिक को हम अगर साइड रख दे तो कहाँ इसका ये चोली आ रही कोई लुक नहीं आ रहा है मुझे कुछ नहीं अच्छी लग रही है इसका लुक कैसा अच्छा आता है मैंने अभी मिरर में करके देखा कि अगर ये चीज़ ना इसके लाइक यहाँ होती ठीक है ये चीज़ यहाँ होती है और ये थोड़ी टाइट होती तब आप देख सकते हो कि शायद मैंने अगर ठीक किया हो तो ये स्मार्ट लग रही होती अभी तो मेरे पास हाल फिलहाल यही बेल्ट बाहर निकली हुई है तो मैं आपको लगा के दिखाऊं कि बेल्ट कुछ ऐसे लगती तो ये कुछ ड्रेस ऐसी होती लाइक चोली छोटी होती तो समझ आता भाई यहाँ मतलब मेरे नेवल से भी नीचे जा रही है उसकी चोली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है मुझे ड्रेस ही नहीं अच्छी लगी आप बैक से भी देख सकते हो कैसी ये ड्रेस है तो क्या मैं एक्सप्लेन करूँ जब इसका लुक ही नहीं अच्छा जुगाड़ थोड़ी करना है नो अब नो फ्रॉम माई साइड नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो हमारी ड्रेस है वो भी सेम ब्रांड की है ये भी बारह सौ पचास रुपये की है जॉर्जेट वी नेक गाउन ये गाउन है लेकिन इसका ग्रीन कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मैंने कहा चलो मंगवा के देखा जाए सॉलिड ग्रीन ये वो गाउन है इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को कि नेट की स्लीव्स होने के बाद ना एक कटआउट है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि आप बंद कर लो ये कट आउट रहेगा वी नेक है ये ठीक है मैंने साइज़ इसका स्मॉल मंगवाया लेकिन मुझे तब भी समझ नहीं आ रहा है कि यार ये इतना बड़ा मुझे क्यों लग रहा है क्या पता मुझे लग रहा हो पहन के सही है ओ अभी ऐसा जज नहीं करना चाहिए साइड में ज़िप है या नहीं है पहले ये देखूँ मैं इसमें ज़िप नहीं है गाइस दोनों तरफ ज़िप नहीं है इसमें तभी ये इतना चौड़ा दिया हुआ है कि आप आसानी से पहन पाओ बहुत लॉन्ग है नीचे बहुत अच्छा खासा आपको इसमें घेर मिल जाएगा कलर बहुत अच्छा है पूरा इसका लुक फिट जो भी आ रहा है ना मैं वी अगर कहीं बताती हूँ आप तभी समझ पाओगे बारह सौ पचास रुपये की ड्रेस है फैब्रिक वाइज तो ठीक है इसका ये स्लीव्स का कटआउट भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है नेक क्वालिटीज़ भी अच्छी लग रही है मुझे ये नहीं समझ आता ये ये पार्ट चोली इतनी लंबी क्यों बनाते हैं बाकी आप देख सकते हो ये कितनी लॉन्ग है हील्स मैंने विया की हुई हैं लेकिन ये फ्लोर टच नहीं है उतनी ज़्यादा हाँ कहीं कहीं से टच कर भी रही है बाकी आप इसका ओवरऑल लुक देख सकते हो आ, मेरे को ना बार साढ़े बारह सौ रुपये महंगा लग रहा है इस ड्रेस के लिए अगर ये सिक्स हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड की रेंज में होती ना तो ये ज़्यादा अच्छी लगती जैसा भी इसका लुक है मतलब जो भी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग मुझे ना प्राइस थोड़ा हाई लग रहा है बाकी आप देख सकते हो इसका पूरा लुक एंड फिट और हाँ इस बार मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं मोस्टली कवरी ड्रेसेस ही दिखाऊं और लॉन्ग ड्रेसेस दिखाऊं आप देख सकते हो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस मैंने चूज़ तो की हैं आई होप आपको पसंद आ रही होगी ये वाली थोड़ी महंगी लगी इसको महंगा वाला चीज़ अगर हटा दे तो वैसे तो बहुत अच्छी है लेकिन वैसे महंगी है चलो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो ड्रेस है वो हमारी ब्लू कलर की प्लेटेड फिट एंड फ्लेयर ड्रेस फाइव हंड्रेड एटी थ्री रुपीज़ की ड्रेस है मुझे ये ड्रेस बहुत डिसेंट लग रही थी आप पिक्चर में देखो जिस तरह के से इस लड़की ने कैरी किया हुआ था तो मुझे था कि ये अच्छी लगेगी मटेरियल भी ठीक लग रहा है ये इसकी कुछ डोरी टाइप आई है ये वो ड्रेस है ठीक है ये पूरा ए शेप की ड्रेस है ऊपर कॉलर आपको ऐसा मिलेगा पीछे से इसका नेक ओपन करके आप इजीली व्यय कर सकते हो ये ऐसा ए शेप वाला प्लेटेड ड्रेस है इसके लिए जो ये आपको मिला है ना आपके बीच में बांध सकते हो जस्ट एक वो पार्टीशन टाइप का बनाने के लिए थोड़ा सा और ड्रेस को इनहेंस करने के लिए बेल्ट कह सकते हो आपको वो ये दी हुई है लेकिन ये ड्रेस ठीक लग रही है बहुत सिंपल सी डिसेंट सी डिफरेंट इसका नेकवेक का स्टाइल है वी अगर क्या आती हूँ बताती हूँ फिर कैसी लग रही है फाइव एटी थ्री रुपीज़ की ड्रेस है आप उस इसका पहले पूरा लुक देखो काफ़ी कम्फर्टेबल ये ड्रेस है स्लीवलेस है आप देख सकते हो इसका नेक का पैटर्न कैसा है और लेंथ इसकी कहाँ तक आ रही है नी से तो ये नीचे ही है जो वो डोरी सी दी हुई थी उसको ना मैंने यहाँ पे बीच में बांधा है और आप देख सकते हो पूरे फैब्रिक में ही वो पूरा प्लेटेड फैब्रिक है तो ये कुछ ऐसी सी लग रही है थोड़ी अलग सी ये ड्रेस है और बहुत कम्फर्टेबल है फ्लोई है क्योंकि बहुत टाइट नहीं है इसका लुक ही ऐसा है ए शेप की ड्रेस है आप इसका बैक भी देख सकते हो नेक से मैंने बन नहीं किया है हुक्क वाला बटन है ये ऐसे बंद हो जाएगा तो ये कुछ ऐसी लगेगी इसमें भी काफ़ी कलर ऑप्शन हैं मुझे ये ब्लू काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने इसलिए मंगवाया जैसा पिक्चर में दिखा है ना एक्जैक्टली exactly वैसी ही लग रही है तो उस चीज़ के लिए मैं इसको देती हूँ थम्स अप मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट ड्रेस नेक्स्ट एक और रेड कलर की ड्रेस ले आई हूँ मैं फाइव फोटी फ़ोर रुपीज़ की ड्रेस है ये थोड़ी स्टाइलिश है शॉर्ट है थोड़े स्लीवलेस ऐसी सी सी ड्रेस है लेट्स ही कैसी आती है ये साइज़ मैंने स्मॉल ही मंगवाया क्योंकि काफ़ी में एक्स्ट्रा स्मॉल था ही नहीं इसका मटेरियल भी जैसे पहली रेड ड्रेस थी ना बिल्कुल सेम वैसा ही इसका मटेरियल है ये ऐसी ही ड्रेस है आपको स्ट्रैप्स मिल जाएंगे एडजस्टेबल और ये पूरा ऐसे फॉल हुआ हुआ रहेगा ठीक है और आप देख सकते हो इसका नेक वी नेक है ये मैं बैक से दिखा रही हूँ आपको ऐसा मतलब हार्ड शेप नेक है इसका और बैक डीप वी नेक न पीछे आपको जिप मिल जाएगी और ये ये शायद पूरी बॉडी कॉन होगी और नीचे से ना ऐसे फ्रंट कटआउट मिलेगा लाइक पूरी ऐसे वो पेंसिल स्कर्ट वाला शेप होता है ना वो आएगा फ्रंट ऐसे कटआउट मिलेगा शायद ये पहन के काफ़ी अच्छी लगी अगर ये फिटिंग में बहुत अच्छी आ, आई तो और कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और रेट के अकॉर्डिंग भी सही है पाँच सौ छः सौ रुपये की साढ़े पाँच सौ छः सौ के बीच में चलो वी अगर क्या आती हूँ साढ़े पाँच सौ रुपये की ड्रेस है मुझे काफ़ी क्यूट लगी थोड़ी शॉर्ट है और फैब्रिक बहुत अच्छा है बहुत सॉफ़्ट है लुकिंग लुक वाइज बहुत अच्छी लग रही है मुझे ये काफ़ी प्यारी सी लग रही है और रेट के अकॉर्डिंग भी मुझे अच्छी लगी तो देख सकते हो आप पूरा इसका लुक एंड फिट ये कितनी शॉर्ट है कैसा इसका कटआउट है इसके फिटिंग क्या आ रही है बैक से कैसी लग रही है इसके ये शोल्डर्स पे इसके स्ट्रैप्स एडजस्टेबल हैं मैंने तो एडजस्ट मैं तो नहीं किए मैंने ऐसे पहन लिए मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है अब आपके सामने आप देख सकते हो अगर आपको ये पसंद आ रही है और कहाँ तक इसकी लेंथ है क्या इसका फ़िट है तो या मुझे तो अच्छी लगी इसलिए थम्स अप मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो ड्रेस है वो हमारी नेवी ब्लू कलर की सेवन सिक्सटी टू रुपीज़ की वीनेक फिट एंड फ्लेयर ड्रेस है अब तक की वो जो हमारी बारह सौ पचास रुपये की ड्रेस थी ना उसी लुक में ही है ये लेकिन ये सात साढ़े सात सौ की थी तो मैंने ये इसलिए मंगवाई है जस्ट तो मुझे लाइक कंपेयर करना था कि वो साढ़े बारह सौ और साढ़े सात सौ रुपये वाली में क्या डिफरेंस है क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम काइंड ऑफ लग रही थी सेम प्लेन बेस तो क्यों खरीदें हम साढ़े बारह सौ वाली हम साढ़े सात सौ वाली से जब काम चला सकते हैं तो देखो आप समझ जाओगे जो अभी तक मैंने आपको दो तीन मरून और वो ग्रीन ड्रेस दिखाई वो भी कुछ ऐसी ही थी बिल्कुल प्लेन बेस वाली साड़ी ये देखो ये साड़ी क्या हो गया है? मुझे ड्रेस ये वी नेक है इसका बाकी स्लीवलेस है अब आप देख सकते हो इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है मटेरियल बिल्कुल सेम लग रहा है फ्रंट जो इसका नेक पे ये प्लेटेड पैटर्न है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है मतलब सेम लग रही है मेरे को जो मरून ग्रीन वाली है ना वैसी ही लग रही है और रेट में भी अंतर है तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रही है ऐसे देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है बहुत अच्छी सी बेल्ट एंड बैग के साथ आप कैरी कर लो बहुत अच्छे लगोगे चलो वी करके आती हूँ सेवन सिक्सटी रुपीज़ के हिसाब से आप ये ड्रेस आँख बंद करके ले सकते हो एज़ कम्पेयर टू तो वो साढ़े बारह सौ रुपये वाली ग्रीन और मरून ड्रेस उसके आगे ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है इसका फैब्रिक बहुत स्मूथ है इसका फिट इसका लुक इसका स्टाइल सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है मतलब अब तक मैंने जितनी ड्रेसेस पहनी ना मुझे पर्सनली ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है क्या प्यारा सा इसका ब्लू कलर है आप ये वाला फैब्रिक प्लेटेड फैब ये प्ले वाला इसका नेक पैटर्न देखो प्लेटेड पूरा फैब्रिक कितना सुंदर लग रहा है बैक से भी आप देख सकते हो स्लीवलेस है ये ठीक है लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रेस मुझे लग रही है लाइक मुझे तो पता नहीं क्यों है बहुत डिसेंट सिंपल आप देख सकते हो कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रॉडनरी इसमें नहीं है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी प्लस पॉइंट इसकी लेंथ भी कितनी परफेक्ट है आप देखो हील पहनी हुई है तब भी पूरा फ्लो टच ये है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है कपड़े में कोई कंजूसी नहीं हुई है अंदर लाइनिंग भी लगी हुई है और बहुत बहुत प्यारी है यार मेरे को बहुत अच्छी लग रही है तो अप नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो ड्रेस है वो भी हमारी मरून कलर की है लेकिन ये थोड़ी अलग तरीके की ड्रेस थी सॉलिड सिंगल कलर ड्रेस 875 सेवेंटी फाइव रुपीज़ की आप पिक्चर में देख सकते हो मैंने ये भी साइज़ स्मॉल में मंगवाया यार इसमें मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल पे ही जाना चाहिए था कुछ कुछ ड्रेसेस में सो so, ये वो ड्रेस है स्लीवलेस ड्रेस आप देख सकते हो स्ट्रेट बहुत ज़्यादा बॉडी फिटेड ये ड्रेस नहीं है आपको पीछे जिप मिल जाएगी फ्रंट ऐसा कट आउट मिल जाएगा और आपको नीचे से दिख जाएगी बहुत लॉन्ग ड्रेस है और ये कट मिलेगा मुझे तो लगता है मेरी नी से भी नीचे ये कट आएगा जितनी लंबी ये ड्रेस लग रही है या फिर नी पे कट आएगा मटेरियल बहुत सॉफ्ट है बहुत फ़ाइन है इसको भी मैं विया करके कुछ बता पाऊँगी उससे पहले मैं नहीं देख के चीज़ों को जज कर पा रही हूँ चलो अभी करके आती हूँ एट सेवेंटी फाइव रुपीज़ की ड्रेस है इसका ना लुक ही ऐसा है बॉडी फिटेड तो ये है नहीं मटेरियल भी इसका बहुत फ्लोईसा है तो ये ऐसी सी ड्रेस है आप देख सकते हो इसमें ना ये स्लिट है ये साइड में आएगा आपके राइट नी पे यही इसका फिट है मॉडल का भी सेम ऐसे ही फिट आ रहा है और मेरे पे भी ऐसे है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है लूज़ है स्लीवलेस ये ड्रेस है आप ये नेक पे ये वाला कटआउट देख सकते हो और पूरा लुक देख सकते हो कैसा है फ्लोई ड्रेस जैसे बॉडी पे बहुत स्मूथ फील आ रहा है मुझे ओकेश लगी बहुत ज़्यादा पसंद तो ये ड्रेस नहीं आई क्योंकि मैं इस तरीके का फिट प्रेफ़र नहीं करती हूँ बाकी फिर भी मैंने ट्राई किया कि जैसी दिख रही है मंगवा के देखती हूँ कैसी लग रही है तो आपके सामने है ये देख सकते हो वैसे अगर डिसेंट में लॉन्ग ड्रेस चाहिए तो बुरा ऑप्शन नहीं है ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं ये फिट नहीं पहनती हूँ वैसे जो दिखाया है वही आया है उसके लिए थम्स अप मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ अब है हमारी लास्ट ड्रेस ट्वेल्थ ड्रेस का एस एस वो खुल ही नहीं रहा है मे बी शायद वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया इसलिए नहीं खुल रहा है मैंने उनका पूरा नाम डाल के सर्च करा कि क्या पता कोई दूसरे कलर में भी ड्रेस आ रही हो वो नहीं दिख रही है मैं वो स्क्रीन शॉट तो लगा दूंगी वो इतनी निन्नक सी ड्रेस दिख रही है ब्लैक कलर की वो ड्रेस है स्मॉल साइज़ की एम्बलिश्ड शीट ड्रेस ये इसका नाम है और देखते हैं ये वही है या अलग है फोर सिक्सटी सिक्स रुपीज़ की ब्लैक कलर की ड्रेस है ये है वो ब्लैक ड्रेस फोर सिक्सटी सिक्स रुपीज़ की इसकी ये नेट की स्लीव्स हैं इलास्टिक मिलेगी ब्लैक कलर पे गोल्डन गोल्डन डॉट्स बने हुए हैं जो इसको थोड़ा शिमरी शिमरी लुक दे रही है ए लाइन फ्रॉक पैटर्न की ड्रेस है ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग है नेट की ये ड्रेस है सी थ्रू नहीं है क्योंकि इसमें अंदर लाइनिंग लगी हुई है बाकी मैं वीआर क्या आती हूँ देखती हूँ ये कैसी लग रही है बहुत सिंपल डिसेंट प्लेन ड्रेस है इतना कुछ इसमें है ही नहीं चलो इसको भी वीअ क्या आती हूँ बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बुरी ड्रेस अब बिग नो फॉर दिस ड्रेस ऐसा लग रहा है डेढ़ सौ रुपये की भी ड्रेस ना हो रे आप देखो ना ये कितना टाइट है कि मेरे से निशान बनने शुरू हो गए हैं दर्द हो रही है मेरे को ये मैं बियर ही नहीं कर सकती हूँ इतना गंदा फैब्रिक छील लग रही है ये ड्रेस आप पूरा एक बार इसका लुक देख लो कि लग कैसी रही है बैक से भी देख लो आप कैसी लग रही है अब बिग नो फ्रॉम माई साइड नेक्स्ट दिखाती हूँ सो गायस डैट सेट ये थी मेरी बारह की बारह ड्रेसेज आई होप आपको ठीक लगूँगी मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं हूँ मुझे एवरेज लगी ड्रेसेज जैसी लाइक like, मुझे शो हो रही थी इतना सर्च करने के बाद तो मैंने वही मंगवाई और ठीक uh, थी ड्रेसेज बहुत ज़्यादा मेरी इनसे एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी जैसी दिख रही थी वैसी ही आई हैं थोड़ा सा फिटिंग विटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि साइज का इशू था वो तो आप फिट करवा सकते हो बाकी सब चीज़ें आपके ऊपर है कि आप किसको कितना अच्छे से स्टाइल करते हो मेकअप हेयर बैग शूज सैंडल्स आप बहुत अच्छे से इनको अपने अकॉर्डिंग जहाँ आपको जाना है उसके साथ आप खुद को लाइक रेडी कर सकते हो और मुझे तो काफ़ी ठीक लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ड्रेसेस कैसी लगी चॉइसेस मेरी पसंद आई या नहीं आई या आपको कोई अच्छी लगी तो आप कौन सी ड्रेस को अपने बर्थडे पे वियर करना चाहोगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना और आर से स्पेशली आर से आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो मुझे ज़रूर बताना मैं वही चीज़ फिर ऑर्डर करूँगी और बाकी तो मेरी ऐसी ही इधर उधर की सीरीज़ चलती रहेंगी सीरीज़ नहीं सिंगल ब्लॉग्स चलते रहेंगे ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए प्यार देते रहिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे आप सबका प्यार बटोरने के लिए आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो कमेंट ज़रूर करा करो अच्छा बुरा जैसा आपका दिल में आता है वो कमेंट जरूर किया करो आपके कमेंट्स को पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती हूँ और पूरे जोश जोश के साथ मैं वापस आती हूँ वीडियो बनाने के लिए बाकी इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 बहुत, बहुत शुक्रिया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से दो मिलियन हो जाए हे शिव भगवान हर महादेव अभी बस एक मिलियन है यही होता है इंसान की लालच एक मिलियन हो आप दूसरा मिलियन चाहिए हाँ मुझे चाहिए तो प्लीज़ फ़टाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ओके बाय बाय गाइज आई लव या